Hey guys, welcome back again on channel. हाल ही में 8 दिसंबर 2021 को MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तमिलनाडु में, जिनमें हमारे देश के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी और हमारे देश के 11 और बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों का निधन हो गया था। इस हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद पूरे देश को और मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, तब तक जब तक इस हेलीकॉप्टर में लगे एक इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट जिसका नाम है ब्लैक बॉक्स वो नहीं मिला था। तब तक ऐसा ही लग रहा था कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, लेकिन इसके मिलने के बाद, इस ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद हमारे देश के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया और पूरे देश को भी ये पता चल गया कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं। आप सोच सकते हो तो ये ब्लैक बॉक्स कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए जानते हैं इस ब्लैक बॉक्स के इन्वेंशन के बारे में। बने रहिए इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होम स्टे। किसी विमान हादसे की वजह का पता लगाने में दो डिवाइस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला है फ्लाइट का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसे FDR कहा जाता है, और दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसे CVR कहा जाता है। इन दोनों डिवाइस को आप ब्लैक बॉक्स के पार्ट कह सकते हो और इसे ही ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। इस ब्लैक बॉक्स को किसी भी हालत में सुरक्षित रखने के लिए इसे सबसे मजबूत धातु टाइटेनियम से बनाया जाता है। एक में कॉकपिट के अंदर की बातें रिकॉर्ड होती है तो दूसरे में विमान से जुड़े आंकड़े जैसे कि गति होती है, उनकी ऊंचाई होती है, ये सब रिकॉर्ड होता है। ब्लैक बॉक्स में मेनली विमान की गति, ऊंचाई, ईंधन, केबिन या कॉकपिट का तापमान, पायलट या पायलट की बातचीत, फ्लाइट ऑपरेशन जैसे तकरीबन 88 प्रकार के डेटा को रिकॉर्ड करता है ये ब्लैक बॉक्स। यहाँ तक कि समुद्र में 20,000 फीट तक की नीचे की गहराई के बाद भी इस ब्लैक बॉक्स से आवाज और तरंगें निकलती रहती है। ये लगातार 30 दिन तक जारी रहती है। ब्लैक बॉक्स की बैटरी 30 दिन तक चलती है, लेकिन इसका डेटा को वर्षों बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लैक बॉक्स को विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है, और क्योंकि ये पिछले हिस्से में होता है तो विमान के सबसे सुरक्षित हिस्से में रहता है, क्योंकि ये दुर्घटना की स्थिति में विमान का पिछला हिस्सा बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। अगर प्लेन में आग भी लग जाती है तो इसके खत्म होने की आशंका लगभग नहीं के बराबर होती, क्योंकि लगभग एक घंटे तक ये 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सह सकता है। ब्लैक बॉक्स को कई टेस्ट से गुजारा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर 260 डिग्री सेल्सियस हीट में 10 घंटे तक रह सकता है। ये -55 से +70 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी काम कर सकता है। वर्ष 1960 में ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश था जिसने विमानों में ब्लैक बॉक्स लगाना मैंडेटरी कर दिया था। भारत में 1 जनवरी 2005 से सभी विमानों और हेलीकॉप्टर के लिए CVR और FDR लगाए जाने को मैंडेटरी कर दिया गया था। किसी भी दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ब्लैक बॉक्स से डेटा रिट्रीव करने और डिकोडिंग प्रोसेस के बाद फोरेंसिक जांच से पता लगाया जा सकता है कि आखिर विमान हादसे की मुख्य वजह क्या थी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किसने किया था। ब्लैक बॉक्स का आविष्कार ऑस्ट्रेलिया के महान साइंटिस्ट डेविड वारेन ने 1950 के दशक में किया था। तब इस ब्लैक बॉक्स को लाल रंग के कारण इसे रेड एग कहा जाता था। इस ब्लैक बॉक्स के इन्वेंटर डेविड वॉरेन मेलबोर्न के एरोनॉटिकल रिसर्च लेबोरेटरी में काम करते थे जब पहला जेट आधारित कमर्शियल एयरक्राफ्ट जिसका नाम था कॉमेट वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो तब वो वॉरेन दुर्घटना की जांच करने वाले टीम का हिस्सा थे। दुर्घटना की जांच के दौरान उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा कोई डिवाइस बनाया जाए जो कि विमान हादसे के बाद भी दुर्घटना के कारणों को बहुत दिन तक स्टोर कर रखे। और दुनिया में सबसे पहले ब्लैक बॉक्स ऑस्ट्रेलिया के ही कमर्शियल एयरक्राफ्ट में ब्लैक बॉक्स को लगाया गया था। तो कुछ इस तरह से हुआ था ब्लैक बॉक्स का इन्वेंट। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि होमस्टे के आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बनें।